हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 15 में, डेट इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। सो क्वेश्चन ये है, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन टू पैक्स, 18 कैन विथ ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ ए लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर दी हुई है, और एक प्लास्टिक कैन है, प्लास्टिक सिलेंडिकल विथ सर्कुलर बेस। एक प्लास्टिक कैन है जिस जो जो सिलेंडिकल शेप में है, जिसका डायमीटर 7 दिया हुआ, हाइट 10 दी हुई है, और विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच कैपेसिटी दिया होता है, तो उसका वॉल्यूम निकालते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ, दो सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहा है, तो एक टीन कैन में है जिसका बेस क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में, तो रेक्टेंगुलर शेप मतलब क्यूबॉइड शेप में होगा, तो हम क्या निकालेंगे, कैपेसिटी दिया तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, रेक्टेंगुलर में से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ टीन केन, तो एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, ब्रेथ 4 दिया हुआ, हाइट 15 दिया हुआ, इन सबको इंटू कर लेते हैं। 5 4 20, 20 × 15, 5 2 10, 2 1 2 3, 300। अब इसकी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और इसकी यूनिट वॉल्यूम की यूनिट क्यूब होती है, तो सेंटीमीटर क्यूब हमारा 3 का आ गया। अब प्लास्टिक कैन का निकालें, जो कह रहा है कि वो सिलेंड्रिकल विथ सर्कुलर बेस, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम सिलेंडर तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है, पाई 22/7, रेडियस कितना दिया, डायमीटर 7 दिया है, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 7/2, और 7/2, और हाइट 10। डायमीटर को रेडियस चेंज करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो 7/2 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 7 7 कैंसिल, 22 को 22 से कैंसिल करके कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और इस 2 को 10 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 2 5 10, अब हो जाएगा हमारा 11 7 77, 77 × 5, 7 5 35, 7 5 35, 36 7 5 35, 7 5 35, 36 7 38, 385। अब इसकी भी सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब क्या है रहा स्टूडेंट कि विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, किस कंटेनर की वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ज़्यादा किसकी दिख रही है, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक केन की ज़्यादा दिख रही है, तो हम लिख लेंगे प्लास्टिक केन हैज ग्रेटर कैपेसिटी। ग्रेटर कैपेसिटी, क्योंकि टीन का 300 आया और प्लास्टिक का 385 है, तो ये ज़्यादा होगा। अब कह रहा है कि बाई हाउ मच मतलब माइनस करना होता है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे हम प्लास्टिक केन माइनस टीन केन, तो क्या हो जाएगा हमारा, 385 माइनस 300, तो हो जाएगा हमारा 585 हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 85। सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि दोनों क्यूब में, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।